हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आदिति जैन एंड यू ऑल आर वाचिंग मी एट माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवारिधि। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेजरमेंट, दैट इज मापन, उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं एवं कार्य के बारे में आज हम यहां पर अध्ययन करेंगे। मापन शब्द को सुनते ही जो चीज़ हमारे मस्तिष्क में सबसे पहली बार आती है वो है कि मापन का अर्थ क्या होता है। तो मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कुछ ऑब्जेक्ट्स को, कुछ इवेंट्स को, मतलब कुछ क्रियाओं को, कुछ वस्तुओं को हम नंबर्स असाइन करते हैं, स्कोर असाइन करते हैं। कैसे? कुछ नियमों के आधार पर। बहुत सिंपल सी भाषा में यदि हम कहें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गुणात्मक चीज़ों को मात्रात्मक रूप में परिवर्तित किया जाता है। और ये परिवर्तित करने के लिए या ये डेटा कलेक्ट करने के लिए हम जिन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं उसमें नॉर्मली टेस्ट्स, रेटिंग्स, ऑब्जर्वेशंस, इन्वेंट्रीज आदि का हम प्रयोग करते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट, मापन के की विशेषताएं। पहली विशेषता, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स और स्कोर्स। किसी भी गुण को या जो भी हमने डेटा इकट्ठा किया है उसको गुणात्मक रूप से परिवर्तित करके मात्रात्मक रूप प्रदान करना, उसको क्वांटिफाई करना, ये मेजरमेंट कहलाता है और ये इसकी सर्वप्रथम विशेषता है। दूसरी विशेषता इसकी है कि जब हम एजुकेशनल मेजरमेंट की बात करते हैं, जब हम शैक्षिक मापन की बात करते हैं, तो उसमें कोई एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बिहेवियरल साइंसेस, जब हम व्यवहारिक विज्ञान की बात करते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ शून्य नहीं होती। यदि हम बात करें इंटरेस्ट की, पर्सनैलिटी की, क्रिएटिविटी की, तो कम और ज़्यादा तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति में इन सब चीज़ों का कोई शून्य पॉइंट हो। इसलिए जो एजुकेशनल मेजरमेंट है, शैक्षिक मापन है, उसमें कोई भी एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट नाम की चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट थिंग, देर इज़ नो डायरेक्ट मेजरमेंट। आप किसी भी चीज़ से डायरेक्टली कभी भी मापन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ टूल्स की आवश्यकता होगी, जैसे टेस्ट्स, रेटिंग स्केल्स, इन्वेंट्रीज, ऑब्जर्वेशंस, इन सब के आधार पर ही हम किसी व्यक्ति का मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, ये एक साधन है हमें साध्य तक पहुंचाने का। जैसे साध्य क्या है यहाँ पर? हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का इवैल्यूएशन करना, ये हमारा लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति हमें करनी है। तो उसके बीच में हम बार बार अपने उद्देश्यों की जांच के लिए कि उद्देश्य हमारे सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हम असेसमेंट या मेजरमेंट करते रहते हैं। तो ये एक साधन है जो हमें लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, मतलब ये परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे अगर हमारी क्लास में एक बच्चे ने 80% मार्क्स को स्कोर किया और वो हमारे हिसाब से हमारे क्लास में, हमारे स्कूल में वो टॉपर है, लेकिन ये हम किसी और स्कूल की यदि बात करें तो हो सकता है वहाँ पे 90% वाला बच्चा टॉपर हो। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारा 80% का जो बच्चा है वो नीचे आ जाता है। तो ये हर जगह के अनुसार बदलता रहता है, कोई एक फिक्स्ड या एब्सोल्यूट एक सिचुएशन या स्टेज इसमें नहीं होती है। परिवर्तनशील है क्योंकि व्यवहार है, व्यवहार वैसे भी परिवर्तनशील है, और जब हम कंपैरिजन करते हैं अलग अलग परिस्थितियों में तो भी परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट है, नो डेफिनेट यूनिट्स। मेजरमेंट की कोई भी फिक्स्ड यूनिट्स नहीं होती। जैसे अगर आपको फिजिकल साइंसेस की हम बात करते हैं, अगर आपको किसी की बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, आपके पास थर्मामीटर है, आपको किसी की हाइट का मेजरमेंट करना है, आपके पास स्केल है, आपको किसी का वेट मेजर करना है, आपके पास वेइंग स्केल है, तो इस तरह की कोई भी डायरेक्ट यूनिट जिससे हम बच्चे का व्यवहार, परिवर्तन कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उसको कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है, ये सब चीज़ें हमें किसी टूल के आधार पर ही देखनी पड़ेंगी। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस मशीन के अंदर बच्चे को डाल दिया जाए और हमें ये मालूम पड़ जाए कि वास्तविक में इसकी स्थिति क्या है, बच्चे को कितना ज्ञान है, कितना नहीं है, ऐसा कोई भी फिक्स यूनिट हमारे पास नहीं होता। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट। इसके कार्य क्या है मेजरमेंट के, हम क्यों करते हैं मेजरमेंट? पहला फंक्शन है इसका प्रेडिक्शन, किसी भी चीज़ के बारे में भविष्यवाणी करना। आप किस चीज़ के बारे में कर सकते हैं और क्यों उसका प्रयोग करेंगे?
किसके बारे में कर सकते हैं? छात्रों के बारे में कर सकते हैं। जैसे हमें छात्रों को ग्रुप्स में बांटना है तो उनकी क्वालिटीज के अनुसार, उनकी एबिलिटीज के, क्षमताओं के अनुसार हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं ग्रुप्स में। उनको फ्यूचर प्रडिक्शन हो, उनको भविष्य की, हमें भविष्यवाणी करनी है तो हम क्या करेंगे कि जिस सब्जेक्ट में बच्चे के मार्क्स ज़्यादा हैं उसको उस तरह की स्ट्रीम में भेजेंगे। जैसे अगर बच्चे को सोशल साइंसेज में ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं तो उसको आर्ट्स स्ट्रीम में भेजा जाएगा। साइंस साइड के सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में, साइंस में मार्क्स ज़्यादा हैं तो उसको साइंस स्ट्रीम के लिए भेजा जाएगा। डिपेंडिंग के बच्चे की परफॉर्मेंस के आधार पर हम लोग उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये किस फील्ड में ज़्यादा बेटर कर रहा है। नाउ नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन। जब हमें बच्चों के मध्य या किसी भी दो चीज़ों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करना है, जैसे टीचिंग स्ट्रेटेजीज या मेथड्स, जिन शिक्षण विधियों के साथ हम पढ़ा रहे हैं कक्षा में, जब हम उन्हें कंपेयर करते हैं कि ये ज़्यादा अच्छी है या दूसरी, ए मेथड ज़्यादा अच्छा है, बी मेथड ज़्यादा अच्छा है, या फिर हम ये कहें कि जब हमें बहुत सारे बच्चों के अंदर कंपैरिजन करना है तब हम कर सकते हैं। दो बच्चों के अंदर भी कंपैरिजन अगर हमें करना है तो वो भी हम इसके थ्रू करते हैं। नेक्स्ट, जब हमें क्लासेस को आपस में कंपेयर करना है, कोई दो टीम्स हैं उनको आपस में कंपेयर करना है, या फिर एक ही बच्चे का पहले और पढ़ाने के बाद वाली चीज़ों में डिफरेंस हमें देखना है। जब वो हमारी क्लास में आया तब उसमें क्या, कितना एबिलिटी थी, कितनी उसको नॉलेज थी, और जब हमने उसको पढ़ा दिया है, एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया है या एक पूरी क्लास पढ़ा दी है और वो अब एंड में हम उसको देख रहे हैं, तो वहाँ पर जब हमें उसके एंटरिंग बिहेवियर और टर्मिनल बिहेवियर के बीच में कंपैरिजन करना है तब भी हम मेजरमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब, ये जो टर्म है ये हमारी मेडिकल साइंसेस से ली गई है। डायग्नोसिस मतलब किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना, उसका इस तरह से अध्ययन करना कि उसके अंदर जो कमियां हैं वो हमें मालूम पड़ जाएं। तो बच्चे के अंदर क्या कमी हमें देखनी है कि बच्चे की वीकनेसेस कहाँ कहाँ हैं, किन पॉइंट्स पर बच्चा वीक है, और यहाँ पर डायग्नोसिस करके सिर्फ छोड़ नहीं देना है, बच्चे की कमियों को ढूंढना है और उसके साथ साथ उसका उपचारात्मक शिक्षण भी करना है। मीन्स अगर हमारे टीचिंग मेथड में कहीं कमी है तो बीइंग अ टीचर हम उस मेथड को चेंज करेंगे। बच्चे के समझने में कमी है तो हम किस कमी की वजह से बच्चा समझ नहीं पा रहा है उस कमी को ढूंढकर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो फिर उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है कि हमने कमी ढूंढ ली है, अब उसका उपचार भी करना है, कमी ढूंढकर छोड़ नहीं देना है। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च। स्वाभाविक सी बात है कि एक टीचर भी एक रिसर्च ही कर रहा है, जब वो बच्चों के ऊपर कोई भी स्टडी कर रहा है तो वो भी एक रिसर्च है, या फिर इससे अलग जब हम अपने स्टूडेंट्स को छोड़कर बाहर कहीं पर कोई रिसर्च करते हैं तो उस टाइम पर भी हम लोग मेजरमेंट का यूज़ करते हैं। किस लिए करते हैं? डेटा को कलेक्ट करने के लिए। जो हमें डेटा कलेक्ट करना है वो हम किसी टूल के आधार पर करते हैं, कुछ यंत्र हम ले लेते हैं, जैसे आपके इंटेलिजेंस को अगर आपको मेजर करना है तो इंटेलिजेंस टेस्ट हम ले लेंगे, क्रिएटिविटी को मेजर करना है तो क्रिएटिविटी टेस्ट ले लेंगे, पर्सनालिटी को मेजर करना है तो पर्सनालिटी टेस्ट ले लेंगे। उन सब टेस्ट के आधार पर हमने डेटा कलेक्ट किया। अब जो डेटा हमने कलेक्ट करा है उसका विश्लेषण भी किया जाना है, और विश्लेषण भी करने के लिए जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होंगी वो भी हम मेजरमेंट के अंदर ही उनको इंक्लूड किया जाता है। और ये सब करके हमें क्या चाहिए? रिलायबल और वैलिड डेटा चाहिए और कॉन्क्लूजन्स पे हमें पहुंचना है, तो ये सब चीज़ें भी हम मेजरमेंट की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट जो होता है हमारा, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव्स को अगर हम देखते हैं तो हमारा मेजरमेंट दो तरह का होता है, एक फिजिकल साइंसेज के अंतर्गत आता है और दूसरा बिहेवियरल साइंसेज के अंतर्गत आता है। तो फिजिकल साइंसेज और बिहेवियरल साइंसेज में जो मेजरमेंट है उनमें कैसे डिफरेंस होता है, यहाँ पर हम उस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज एब्सोल्यूट मेजरमेंट। फिजिकल साइंसेज में जो मेजरमेंट होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं। एब्सोल्यूट किस तरह से होंगे कि वो हमेशा एक ही जैसा रिजल्ट देंगे, क्योंकि फिजिकल एंटिटीज जो होती हैं वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती या उनके अंदर कुछ भावात्मक जो चीज़ें होती हैं वो नहीं होती, जो कि बिहेवियरल साइंसेज में होती हैं। हम जिस चीज़ का भी मापन करते हैं वो रिलेटिव होती है। अगर हम ये कहते हैं कि इस छात्र का बिहेवियर दूसरे छात्र के कंपैरिजन में अच्छा है, गुड और बैड में हमने उस चीज़ को किया, तो वो रिलेटिवली गुड और बैड है। या हम ये कहते हैं कि ये बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है तो वो और बच्चों के कंपैरिजन में फर्स्ट आया है, अदरवाइज फर्स्ट की कोई परिभाषा नहीं है कि अगर इतना स्कोर हो जाएगा तो बच्चा ज़रूरी है कि फर्स्ट ही आ जाएगा, ऐसी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। लेकिन जब हम फिजिकल साइंसेज की बात करते हैं तो वहाँ पर एब्सोल्यूट मेजरमेंट होता है। अगर हम कहते हैं कि किसी को 100 डिग्री टेम्परेचर है
तो उसका मतलब 100 डिग्री ही टेम्परेचर उसको है, उसको फीवर है। या फिर अगर एक नॉर्मल टेम्परेचर जो हमने डिसाइड किया हुआ है 98.4, अगर इस पर है तो स्वाभाविक रूप से ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 98.4 पे अगर किसी का टेम्परेचर है तो वो नॉर्मल है, उसको फीवर नहीं है। नाउ नेक्स्ट है हमारा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट जो फिजिकल साइंसेज में होता है वो जीरो है। जैसे अगर किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है वहाँ पर तो हम उस चीज़ को ज़ीरो कह सकते हैं। जैसे अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो ज़ीरो मनी, किसी का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो ज़ीरो इनकम। तो ये सब चीज़ें ज़ीरो हो सकती हैं। मिल्क नहीं है वहाँ पर तो ज़ीरो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज़ देयर। लेकिन ऐसी ज़ीरो वाली जो कंडीशन है वो कहीं पर भी हमारी बिहेवियरल साइंसेज में नहीं होती है। वहाँ पर अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो ज़्यादा और कम हो सकता है। आपकी पर्सनालिटी है वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट हो सकती है, लेकिन ये सब चीज़ें आपस में रिलेटिव हैं। किसी ग्रुप के आधार पर हमने एक नॉर्म बना लिया है, एक स्टैंडर्डाइज्ड स्केल बना लिया है कि यदि इतना है तो हम इंट्रोवर्ट मान लेंगे, उससे ज़्यादा है बच्चा सोशल, उससे ज़्यादा है तो वो एक्सट्रोवर्ट है। ये हमने एक स्टैंडर्ड खुद मेंटेन कर लिया है, लेकिन इसके लिए कोई एब्सोल्यूट फिक्स ये रेफरेंस पॉइंट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल ट्रेट्स जो हैं वो डायरेक्टली मेजरेबल होते हैं। आप दूर से देखकर भी उनको डायरेक्टली बता सकते हैं, इस बच्चे की हाइट इतनी है, इस बच्चे का वेट ऑलमोस्ट इतना ही, डायरेक्टली मेजरेबल है। वेइंग मशीन पे बच्चे को खड़ा कर दिया, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका वेट कितना है। आपने एक स्केल लिया और बच्चे का हाइट मेजर कर लिया, आपको पता चल जाएगा बच्चे की हाइट इतनी है। ये सब चीज़ें बाहर से देखकर आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन बिहेवियरल ट्रेट्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली मेजर किए जाते हैं। इनडायरेक्टली जैसे आप उसके बिहेवियर को देख के आकलन कर सकते हैं कि ये व्यक्ति का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ये बच्चा कितना क्रिएटिव है, ये बच्चा कितना स्टूडियस है, कितने घंटे ये पढ़ता होगा। आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके पीयर ग्रुप से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अदर टीचर्स से कर रहे हैं। तो ये सब इनडायरेक्टली मेजर किया जा सकता है। डायरेक्टली मेजर करने का इसमें कोई टूल नहीं है, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कोई मशीन नहीं आती जिसके अंदर बच्चे को डाल दिया जाए और उसकी सारी गुणात्मकता बाहर हमें पता चल जाए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एंड वैलिड। जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं फिजिकल साइंसेस का मापन करने पर वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होते हैं और वैलिड होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब उसमें रिसर्चर की या टीचर की अपनी सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। जो बच्चे की हाइट है, सपोज एग्जांपल हम ले लेते हैं, हाइट है बच्चे की वो फिक्स्ड है, उसमें हम चाह के उसे छोटा या बड़ा नहीं कर सकते। अगर बच्चे का वेट 60 है तो वो उतना ही है, हम उसे चाहकर छोटा या बड़ा नहीं कर सकते। और जो उसके रिजल्ट्स हैं वो हमेशा वैलिड ही होते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को मापने के लिए उस यंत्र को बनाया गया है, अब अगर हाइट को मापन करने के लिए आपने स्केल बनाया है तो वो हाइट उससे जो मापी जाएगी वो एकदम करेक्ट होगी। लेकिन जब हम बिहेवियरल साइंसेस की बात करते हैं तो ये ज़्यादातर सब्जेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो मेजर कर रहा है उसका अपना एक व्यू होता है, वहाँ पर वो चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। मान लीजिए मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मान लीजिए मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है और दूसरा बच्चा मेरे सामने मैथमेटिक्स कर रहा है तो वो मुझे ज़्यादा अपील नहीं करेगा, या मैं कुछ चीज़ों को लेके पहले से बायस हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तो मेरा उस बच्चे के लिए जजमेंट अनफेवरेबल होगा। तो वहाँ पर सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ऑल्दो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जो डिफरेंट टूल्स बनाए जा रहे हैं वो टूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं, वो टेस्ट इसीलिए बनाए जाते हैं जिससे कि टीचर की खुद की सब्जेक्टिविटी, उसकी अपनी सोच रिजल्ट्स को इफ़ेक्ट ना करें और रिजल्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहें। नेक्स्ट है हमारा ग्रेट प्रिसीजन। जो फिजिकल साइंसेस की चीज़ें हैं उनमें जो आपका रिजल्ट है वो बहुत प्रिसाइज होता है। जो चीज़ आप कह रहे हैं वो आपने डायरेक्टली मेजर की है तो उसमें प्रिसीजन आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो उसमें प्रिसीजन हमारा बहुत कम रहता है। एकदम एक्यूरेसी के साथ हम अपने रिजल्ट्स को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि व्यवहार जो है वो एक परिवर्तनशील चीज़ है। हो सकता है जिस समय हम बच्चे के व्यवहार का एनालिसिस कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, उस समय वो थका हुआ था, उस समय उसका जो टेम्परामेंट था, मतलब उसका जो मन था, मूड था, वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट सूट नहीं कर रहा था, वो नहीं उस समय कंडीशन में था टेस्ट देने की। तो हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो इफ़ेक्ट कर जाएंगे
बच्चे के व्यवहार या उसके भावात्मक परिवर्तन के साथ। नेक्स्ट है हमारा फिक्स टूल्स। जैसा कि हम अब तक बात करते आ रहे हैं कि कुछ फिक्स टूल्स होते हैं, कोई चीज़ आपको मेजर करनी है उसके लिए फिक्स टूल्स हैं। थर्मामीटर की हम बात कर चुके हैं, या जैसे अगर हम कहें कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए रिच्टर स्केल यूज़ किया जाता है, तो ऐसा कोई फिक्स्ड हमारे पास मेजरमेंट टूल नहीं है जो ये कह सके कि जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें एकदम सही रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जो चीज़ें हम लगा रहे हैं बिहेवियर को मेजर करने के लिए वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर जाती हैं, और उनके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके रिजल्ट्स पर पहुंचना पड़ता है, कोई एक फिक्स टूल नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ ऑलमोस्ट एट अ रेशियो स्केल, क्योंकि जीरो पॉइंट है इसमें, तो रेशियो स्केल की तरह हमारी यहाँ बात करते हैं हम लोग। और बिहेवियरल साइंसेज में क्योंकि रेशियो स्केल नहीं होता, गुण हैं ज़्यादातर, तो उन गुणों को हम नॉमिनल पे, या अगर हम ऑर्डिनल की बात करते हैं क्योंकि ऑर्डर में हम उन बच्चों को कर रहे हैं, या हम इंटरवल स्केल, हम यहाँ पर हमारा जो डेटा होता है या तो नॉमिनल होगा या ऑर्डिनल होगा या इंटरवल पर होगा, रेशो हो नहीं सकता क्योंकि जीरो पॉइंट है ही नहीं इसके अंदर, तो जो हमारा डेटा होता है वो हमेशा नॉमिनल, ऑर्डिनल या इंटरवल स्केल का ही डेटा हमारा बिहेवियरल साइंसेस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। उम्मीद है कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो सब आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।